यूपी के प्रयागराज इलाहाबाद में भी नागरिकता कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन ने जोर पकड़ लिया है। इलाहाबाद के मंसूर पार्क में बीते 5 दिनों से लगातार विरोध का प्रदर्शन चल रहा है। घरेलू महिलाओं ने इस प्रदर्शन में लगातार आजादी कर नारे लगा रही हैं। इन महिलाओं को हटाने के लिए प्रशासन ने कई कोशिशें की, लेकिन यह महिलाएं यहां से हटने को तैयार नहीं हैं। स्थिति यह है कि 27 नामजद और 222 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, लेकिन इस FIR का भी प्रदर्शन पर कोई असर नहीं पड़ रहा। वहीं जुमे दिन को देखते हुए मंसूर अली पार्क में चल रहे NRC और NPR को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन में भारी पुलिस फोर्स तैनात करने और पार्क में प्रवेश को लेकर लोगों ने जताया आक्रोश। महिला पुलिस को लोग के विरोध के कारण बैरंग वापस लौटाना पड़ा। महिलाओं ने धरने पर क्या कहा? नागरिकता कानून को लेकर जारी इस प्रदर्शन में शामिल महिलाओं का कहना है कि जब तक सरकार नागरिकता कानून वापस नहीं ले लेती, तब तक वो इसी धरने पर बैठी रहेंगी। इनका कहना है कि मोदी और अमित शाह को जवाब देना होगा कि ये कानून वापस होगा। महिलाओं में कई स्कूली बच्चियां भी शामिल हैं, जिनका कहना है कि इन्होंने स्कूल छोड़ इस प्रदर्शन में शामिल होने का फैसला किया है ताकि CAA का कानून वापस हो सके। वृद्ध महिलाओं ने कहा कि जैसे तैसे करके वो अपना घर भी चला रही हैं और धरने में भी शामिल हैं। आज 6 दिन से आप लोग यहाँ बैठे हैं, क्या आपकी मांग है और आगे क्या आपकी क्या प्रदर्शन रहेगा? देखिए, हमारी सबसे बड़ी मांग ये है सरकार से कि जो नागरिकता संशोधन कानून लेके आए हैं, इसको वापस लें। इसकी ज़रूरत नहीं है इस देश को, क्योंकि सरकार के हाथ में इख्तियार हमेशा से रहा है कि वो नागरिकता का आवेदन करने पर किसको नागरिकता देगी और किसको नहीं देगी। ये तय करने का अधिकार और नागरिकता देने या न देने का अधिकार तो सरकार के पास ही है। तो फिर इसमें एक नया वो लाने की क्या ज़रूरत महसूस हो रही है सरकार को, क्यों ये कर रही है? और दूसरी बात कि सरकार ने भी संविधान की शपथ ली है, सरकार ने भी संविधान की शपथ ली है और इस संविधान से वो भी पाबंद है। संविधान की मूल संकल्पना के खिलाफ है कि आप धर्म के आधार पर किसी किस्म का भेदभाव करें नागरिकता देने में, ये गलत चीज़ है। तो आप ये जो नागरिकता की जो आज एक जो नई बात कर रहे हैं और उसके लिए मतलब जनता को, इस देश की जनता को आज अपनी नागरिकता साबित करने की ज़रूरत पड़ रही है। जो लोग इन्हीं इसी मिट्टी में पले बढ़े, हम सब लोग अपने कागज़ लेके लाइनों में लगेंगे, ये साबित करते फिरेंगे, क्योंकि ये कानून कहता है कि नागरिकता सिद्ध करना आपकी व्यक्ति की जिम्मेदारी है। तो हमने से यहाँ पे जितने लोग हैं, इस देश की कुल आबादी अपने कागजात लेके दौड़ती फिरेगी और वो कागजात भी हमारे पास नहीं है। सरकार ने ये कहा है कि जो ये बिल का मुद्दा उठा हुआ है वो सिर्फ उनके लिए है जो बाहर से आए हैं, जिनका यहाँ कोई अस्तित्व नहीं है। तो बेकार में जिनका है वो क्यों पेपर लेकर टहलेंगे? ये कैसे पता चलेगा? क्या जो बाहर से आए हैं वो जाके कह देंगे सरकार से कि हम बाहर से आए हैं? ये तो नहीं कोई कहने जाएगा ना। तो सरकार तो ये चाह रही है ना कि वो सारे लोगों में छांटेगी कि कौन बाहरी है, तो सबको ये बताना पड़ेगा कि जी हम भीतरी हैं, और ये भीतरी साबित करने के लिए हमको कागज़ लेके जाना पड़ेगा। ये देखिए, ये सामान्य सी बात है कि कोई भी आके तो आपसे ये कहेगा नहीं कि जी हम बाहरी हैं, देखिए तो आप हमारे कागज़ जाँच लीजिए, ये कोई नहीं कहने का। तो फिर किस तरीके से ये सरकार, तरीका क्या, मैकेनिज्म क्या? मैकेनिज्म ये है कि हम आप जितने लोग यहाँ खड़े हैं, हम सब अपने कागज़ लेके जाएंगे और वो कागज़ हमारे पास नहीं मौजूद होंगे। अगर हमारे पास ज़मीन नहीं है तो हम ज़मीन के कागजात कहाँ से लाएं? अगर हमारे पास हमने पढ़ाई नहीं की या स्कूल में ड्रॉप आउट हो गया, छोड़ दी पढ़ाई बीच में, हमारे पास स्कूल के कागजात नहीं है। घरों में जिन बच्चों की पैदाइश हुई या अस्पतालों में भी हुई, लोग पहले बर्थ सर्टिफिकेट नहीं लेते थे। मेरा खुद का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, हमने अपनी माँ से पूछा कि मेरा बर्थ सर्टिफिकेट है क्या। हमने दरअसल ये सवाल उनसे किया था कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट है? तो उन्होंने कहा आपका नहीं है, मेरा तो छोड़ दीजिए। तो हम कहाँ से कागजात लाएंगे? मेरे पास पुराने हमारे पास कोई
जायदाद नहीं थी कि हम किसी को किराएदारी देते कि हमारे पास किराएदारी का रिकॉर्ड होते। मेरा किसी से कोई मुकदमा नहीं हुआ कि हमारे पास कोई कोर्ट के कागजात है हम दिखा दें, कोई लाइसेंस नहीं है, हम क्या दिखाएं इस सरकार। आगे क्या रणनीति आपकी है? आगे ये रणनीति है कि हम चाहते हैं कि सरकार सुने, जनता की आवाज़ सुने, पूरे देश में जनता उनसे ये बताना चाह रही है, लोग बताना चाह रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से, प्रधानमंत्री जी हमारी बात सुनिए, गृह मंत्री जी हमारी बात सुनिए, इस जनता की बात सुनिए कि हमको इस आपके इस कानून से तकलीफ है, इस बात को समझिए और इसमें इसको वापस लीजिए। तो हम उन तक ये आवाज़ पहुंचाना चाह रहे हैं, आज तक तो ये आवाज़ पहुंची नहीं। देखिए, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आवाज़ पहुंचेगी। वो एक लोकतांत्रिक देश के नेता हैं, चुने हुए नेता हैं, बहुमत से चुन के आए हैं, इसका इस बात का हमेशा दावा करती है उनकी पार्टी, और वाकई वो चुन के आए हैं, बहुमत से चुन के आए हैं, तो उसका सम्मान करें, बहुमत का सम्मान करें, हमारी बात सुनेंगे, जनता के धैर्य का, जनता के तरीकों का सम्मान करेंगे और हमारी बात क्या पता है। मेरा नाम फला है और हम PUCL से हैं। व्यवस्था के अलावा चाय और मेडिकल कैंप भी शामिल हैं। ऐसे में जाहिर तौर पर यह प्रदर्शन अब यूपी पुलिस और सरकार के लिए मुश्किलें पैदा करता दिख रहा है। खबर जगत प्रयागराज से आशुतोष गुप्ता की रिपोर्ट। कब से आप लोग धरना प्रदर्शन कर रही हैं और किस कारण कर रही हैं? हम 12 तारीख से यहाँ पे आए हुए हैं। मुझे जैसे ही पता चला कि कुछ हमारी महिला साथी यहाँ पे जो CA NRC के विरोध में यहाँ आई हैं, तो हम इसलिए भी यहाँ पहुँचे कि ये जो NRC और CA की लड़ाई, ये हिंदू मुस्लिम सबके लिए है, ना कि सिर्फ मुस्लिमों के लिए है, ये हम सब के हक और अधिकार के खिलाफ है, जो संविधान पे ये खतरा है उसको बचाने के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। और जब तक हमारी बातों को नहीं माना जाएगा, हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग को यहाँ रखा। क्या नाम है आपका?